दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। एक रात मैंने अपने चाचा जी से सुना कि गांव में नदी के पार कोई रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप धारण कर सकता है, और उसकी हंसी इस कदर डरावनी होती है कि एक बार जो सुन ले वह हमेशा के लिए अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और उसका असली रूप जो देखता है वो कभी जिंदा नहीं बचता, और जो बच जाता है वो उसके भयानक रूप के बारे में किसी को नहीं बताता। गांव के लोग डर के मारे उसका नाम लेने के बजाय उसे वो कहकर बुलाते थे। उस रात मैंने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई और उन्हें अपने साथ चलने को कहा। उनमें से कुछ तो डर गए और कुछ मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। अब हम चारों दोस्त, मैं, नरेश, राहुल और अशोक, नदी की तरफ चल पड़े। हम खेतों में से जा रहे थे। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से एक बंजर जगह पर पहुंच गए। वहां पर बहुत से पेड़ लगे थे जिन पर आम जैसे फल लगे होते हैं और उस पर रुई जैसा कुछ लगा होता है। हमें बाद में पता चला कि रात को उस पर थूकने से वो पीछे पड़ जाता है। राहुल ने उसे आम समझकर खा लिया, लेकिन कड़वा होने के कारण उसे वहीं थूक दिया। तभी अचानक हमें पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। डर के मारे हम किसी तरह वहां से अपने घर की तरफ भाग निकले। नरेश और राहुल का घर एक ही रास्ते में पड़ता था। वो एक साथ भाग ही रहे थे कि तभी अचानक नरेश के पापा सामने खड़े थे और बोले कि बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, और वे तीनों साथ में चल पड़े। राहुल के घर के पास पीर बाबा की दरगाह थी। नरेश के पापा ने वहां पहुंचने से पहले ही उसे ये कहा कि बेटा, आज हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। नरेश बोला, चलो ना पापा, इसी रास्ते से चलते हैं। राहुल का घर भी इसी रास्ते में पड़ता है, तो हम उसे घर छोड़ देते हैं और वापस दरगाह पे माथा टेक लेंगे। पर उसके पापा ने गुस्से में आकर साफ मना कर दिया और दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। नरेश को अपने पापा का इस तरह से बर्ताव करना काफी अजीब लगा। खैर, राहुल अपने घर की तरफ चल पड़ा और अचानक दरगाह के पास गिर गया। नरेश तभी अपने पापा से हाथ छुड़ाकर राहुल को उठाकर अपने घर ले गया। उसने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। जब वो घर पहुंचा तो उसे ये देखकर होश उड़ गए कि राहुल और उसके पापा दोनों वहीं आपस में बातें कर रहे थे। नरेश को देखकर वो बोले, बेटा कहाँ खेलने चले गए थे, इतनी रात हो चुकी है। नरेश घबराकर बाहर की तरफ दौड़ा और उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। वह वापस घर की तरफ आ ही रहा था कि तभी अचानक उसे एक डरावनी सी हंसी सुनाई दी और वह वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन ये सारी बात उसने मुझे और अशोक को बताई, और उस घटना के बाद हम कभी उस नदी के किनारे नहीं गए। इस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन नरेश आज भी इस डरावनी हंसी को भूल नहीं पाया है, बल्कि उस घटना के याद आते ही वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उस रात जिस आदमी को नरेश ने देखा था, कहीं ये वो तो नहीं था। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए
इजाजत दीजिए।